हेलो दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी जो खबर मिली है वो स्टार नेटवर्क और डिज्नी की ओर से मिली है, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि करीब 18 चैनल्स को वो बंद करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो यही है कि एक साथ 18 चैनल्स को बंद कर दिया जाएगा। इसका कारण क्या है, पीछे उसके बारे में भी हम डिटेल में आपको बताएंगे, और कौन सी तारीख से सभी के सभी 18 चैनल्स बंद हो जाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हो सकता है इसके बारे में आपको पहले भी किसी और चैनल पर खबर देखने को मिल गई हो, लेकिन हमारी ओर से भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने ऑडियंस को उसके बारे में रूबरू करवाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर एक बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, क्योंकि हम टीवी चैनल से जुड़ी हुई खबर हो, डीटीएच की हो, सैटेलाइट की हो, आपके बीच सबसे पहले लाने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार नेटवर्क की ओर से अनाउंसमेंट की गई है, उसमें उन्होंने करीब 18 चैनल्स को बंद करने का ऐलान किया है, जिसमें आपका चैनल रहेगा फॉक्स, फॉक्स क्राइम, फॉक्स लाइफ, एफएक्स, चैनल वी जो कि म्यूजिक का रहेगा, मूवी में रहेंगे फॉक्स एक्शन मूवीज, फॉक्स फैमिली मूवीज, फॉक्स मूवीज, स्टार मूवीज चाइना, फॉक्स स्पोर्ट्स, फॉक्स स्पोर्ट्स 2, फॉक्स स्पोर्ट्स 3, स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 2, किड्स में डिज्नी चैनल, डिज्नी जूनियर, और कहीं ना कहीं नेशनल ज्योग्राफिक पीपल और SCM लेजेंड। जितने भी चैनल्स के नाम आपको मैंने गिनाए हैं, ये सभी के सभी बंद होने जा रहे हैं। कौन सी तारीख को? 1 अक्टूबर 2021 को। जी हाँ, इस साल 1 अक्टूबर में ये चैनल सभी के सभी बंद हो जाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यही आता है कि काफी चैनलों के जो नाम है वो आपने इंडिया में सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि ये जो चैनल्स है वो इंडिया में चलते ही नहीं है। तो ऐसे में हमारे जो है आपको कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो कहना चाहूंगा हमारे इंडिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन चैनल्स का। जितने भी चैनल्स बंद होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं हांगकांग में, और इसके अलावा आपका साउथ ईस्ट एशिया जितना भी एरिया है वहां पर इन चैनल्स को ट्रांसमिशन को ऑफ किया जाएगा। अब बात आती है कि इन चैनल्स को बंद किया क्यों जा रहा है, तो उनके बंद होने के पीछे कारण क्या है। देखिए, डिज्नी जो है वो कहीं ना कहीं स्टार इंडिया के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है, चाहे वो इंडिया हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, हर जगह पर स्टार इंडिया और डिज्नी जो है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और डिज्नी नहीं चाहता है कि इन चैनल्स को पोस्ट चला जाए। इनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी एप्लीकेशन पर ही यानी डिजिटली शिफ्ट किया जाएगा, और टीवी चैनल ट्रांसमिशन को कीज कर दिया जाएगा, ऑफ कर दिया जाएगा। बाकी इसको लेकर आपके उनमें क्या सवाल चल रहे हैं नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।